सभा का आज पहला फुल वर्किंग डे था जिसके अंदर जीरो आवर क्वेश्चन आवर और साथ में महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा हुई। बड़े अच्छे तरीके से सत्ता पक्ष ने विपक्ष ने अपनी बातें रखी और अपने सुझाव दिए और हमें तो उम्मीद है कि आगामी बजट के अंदर उन सुझावों को भी जैसे प्री बजट डिस्कशन के दौरान सरकार ने नोट किया है, प्रदेश को प्रगति के पथ पर ले जाने के लिए उन तमाम विषयों पर भी सरकार की गंभीरता आपको आगामी बजट में दिखेगी। किशन जी, एक आपकी आबकारी नीति को लेकर एक बिंदु को लेकर जो है, प्रदेश अध्यक्ष जो है बराड़ा साहब ने कहा है कि वो मुख्यमंत्री से बात करेंगे, तो बिंदु है क्या, थोड़ा स्पष्ट करें। मैं एक क्लैरिटी आपको देना चाहूँगा कि एक्साइज पॉलिसी के ऊपर बारी बारी विपक्ष प्रश्न चिन्ह लगाने का काम कर रहा है। हमारे द्वारा उस बिंदु के ऊपर कोई एक एडिशनल बॉटल का अलॉटमेंट का प्रोविजन नहीं किया हुआ, बल्कि जो लोग आज तक लाइसेंस नहीं लेते थे हमने कानून में जरूर स्ट्रिक्टनेस लाने का काम किया है कि ऐसी तस्करी चोरी ना हो, उसके लिए कानून का प्रावधान परमिट के तौर पर किया जाए। मैं एक चीज जरूर विपक्ष का आभार प्रकट करूंगा कि उनने आबकारी नीति को इतना गंभीरता से पढ़ा देखा, मगर अब तक उनमें से किसी एक व्यक्ति ने ये नहीं बताया कि जो पिछले एक दशक के अंदर शक्ति इस नीति के अंदर नहीं ला पाए वो कदम उठाने के लिए ये सरकार कितनी गंभीर है, चाहे वो ट्रैक एंड ट्रेस हो, चाहे वो फ्लो मीटर की बात हो, चाहे वो किसी वेंड के ऊपर अगर लिकर सेल होती है तो उसके अंदर उसका बिल देने पर डिजिटलाइजेशन लाने की बात हो और ना देने पर 5,000 की पेनल्टी लाने की बात हो, और दो नंबर की शराब प्रदेश में ना बिके इस एक्साइज पॉलिसी में ये कदम हमने ही उठाया है कि पहला प्रोविजन डिस्टिलर के ऊपर 1,00,000 का जुर्माना, दूसरा 2,50,000 का, तीसरा 5,00,000 का, और अगर कोई डिस्टिलर चौथी बार गलती करता है तो उसकी डिस्टिलरी का लाइसेंस कैंसिल करने का प्रोविजन भी हमने डाला है। मैं तो आप सब का भी आभार प्रकट करूंगा कि एक शायद 12 बोतल का क्लॉज था जो पिछले 15 साल से केवल मात्र रिपीट हुआ, उसको आपने इतना हाईलाइट किया। अगर आप एक एक पहलू उस पॉलिसी के 90 पन्नों के पढ़ेंगे तो मुझे लगता है कि कैसे प्रदेश का रेवेन्यू बढ़े, कैसे इलीगल शराब दो नंबर का व्यापार प्रदेश में बंद हो, एक एक अधिकारी ने बड़ी मेहनत के साथ उसके ऊपर सुझाव तमाम लोगों से इकट्ठे करे और उसके ऊपर प्रदेश की पॉलिसी को बढ़ाया। पिछले 15 साल से भूपेंद्र सिंह हुड्डा जब एक्साइज के मिनिस्टर थे, जब वो पहली बार मुख्यमंत्री बने थे, घर में शराब रखने की व्यवस्था बनाने का काम उनने किया। हमने तो उसको स्ट्रीमलाइन किया है कि अगर बिना लाइसेंस के पकड़ी जाए तो उस पर कानूनी कार्रवाई का जो पहले एक डंडा रहता था अब आप ऑनलाइन उसको अप्लाई कर सकते हो, और वो कोई हर रोज के लिए है, लाइफ लॉन्ग के लिए नहीं। जो परमिट भी मिलेगा 1,000 रुपये के अंदर वो केवल मात्र वैलिड है 6 to 6 AM, और उसके बाद अगर आपको अप्लाई करना पड़ेगा तो आपको दोबारा होगा कि किसी के घर में कोई सोशल फंक्शन होता है उसके ऊपर इंस्पेक्टरी राज का दबाव कम हो, इसलिए इसको ऑनलाइन करने का प्रोविजन हमने लाने का काम किया। लिमिट भी सर, पहले के जो प्रोविजन है उसमें सेम लिमिट और सेम। अगर आप चाहते हो तो जो अलग अलग नाम से क्लॉज हैं पिछले 15 साल वो मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा, आप उनको पढ़ सकते। लेकिन जो सर, किसी भी पॉलिसी के किसी भी लिमिट के अंदर हमारे द्वारा कोई एक CL दारू का भी फालतू देने की परमिशन नहीं दी। दुष्यंत जी, वो 900 रुपये वाला बड़ा मिसकंफ्यूजन है, कई अखबारों में। मैं आपको क्लैरिफाई कर दूं कि 900 रुपया पेटी का जो डिस्टिलरी प्राइस है उससे नीचे से बनने वाली सस्ती शराब को हमने अवैध घोषित किया, जिसके अंदर शायद लगभग 51 या 52 ब्रांड्स हैं जिसको आम
व्यक्ति कंज्यूम भी नहीं कर सकता, और उसके साइड इफेक्ट्स हमारे पास रिपोर्ट हुए थे, जिससे रेगुलर ड्रिंकिंग से ब्लाइंडनेस, ब्रेन नमनेस, इस तरह की समस्या हमारे सामने आई, और गलत क्वालिटी की शराब हमारे प्रदेश में ना बिके, इसलिए इसको परिवर्तित किया। और ये मेरे ख्याल से अगर 900 रुपये पेटी की हम बात करते हैं तो इसके अंदर शायद 100 रुपये से नीचे वाली अंग्रेजी शराब जो आती है लगभग वही कवर हो। सर, लेकिन जो आपने बात कही है 1000 रुपये में जो शराब का लाइसेंस की जो बात आ रही है घरों के लिए, उससे अवैध जो शराब विक्रेता है वो 1000 रुपये में ऑथराइज हो जाएंगे? जितेंद्र जी, विक्रेता को परमिशन नहीं है। अगर आपके घर पे, आपके घर में कोई सोशल फंक्शन है, किसी के शादी है, किसी के कोई बर्थडे है, आज के दिन तो अलग अलग तरह के फंक्शन निरंतर चलते हैं, वो उसके लिए ही परमिटेड होगा। और वो लाइसेंस पहले 500 रुपये में परमिटेड था, हमने तो उसकी फीस 1000 रुपये कर उसको ऑनलाइन किया है कि अगर कोई भी व्यक्ति अपने फंक्शन करना चाहता है तो आप अपना परमिट ऑनलाइन निकाल सकते हो। और अगर कोई जिसने ये कोर्ट किया कि ये स्मगलरों को लाइसेंस है, उनसे पूछो कि उनके राज्य में स्मगलरी को बढ़ावा किसने दिया। हम तो स्मगलरों को रोक रहे हैं, कानून को सख्त बना रहे हैं कि स्मगलिंग प्रदेश में पूरी तौर पर बंद। आप लोगों द्वारा सवाल ऐसा पूछा गया तो जवाब भी वैसा ही मिला। अब आप जो मैंने क्लेरिफिकेशन दी है इस पे आप पूछ लेना, इसका जवाब भी ऐसा ही मिल जाएगा। सिर्फ सोशल फंक्शंस के लिए 24 आवर है, 6 AM to next day 6 AM। ये किसी को घर में पेटिया रखने की परमिशन नहीं देता, ये सिर्फ सोशल फंक्शन के लिए। आइडेंटिफाई कैसे होगा कि फंक्शन के लिए ही अप्लाई किया गया है? ऑनलाइन आप आवेदन मांग रहे हैं, उस पर क्या क्या आइडेंटिटी प्रूफ आप रखेंगे उसके लिए? एक व्यक्ति 365 लाइसेंस तो अप्लाई नहीं करेगा अपने नाम पे। सर, तस्कर तो कुछ भी कर सकते हैं सर। चलो, आप आइडिया दे रहे हो, उस पे भी पाबंदी लगा दे। नहीं, नहीं, सर, मैं तो आपसे प्रूफ मांग रहा हूं। मैं तो सोचता हूं कि पत्रकार, मैं तो उम्मीद रखता हूं कि पत्रकार साथी ऐसी तस्करी बंद हो, उसमें हमारी आंखें बने। आप तो सुझाव दे रहे हो तस्करों को। है आइडेंटिफिकेशन को लेकर कोई फंक्शंस रिलेटेड कोई इनविटेशन डाला जाए, कोई आप अपलोड कर सकते हैं पे, क्योंकि जस्टिफाई करना कोई मुश्किल होगा ना इस चीज में। या कोई जब कोई ऑनलाइन अप्लाई करेगा तो बिना क्रेडिट कार्ड के तो अप्लाई नहीं कर सकता, और एक व्यक्ति हर रोज तो शादी ब्याह नहीं बना सकता, तो इसके अंदर लिमिटेशन अपने आप ही ठीक है।